हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूँ स्वाति एंड आज पहली बार जो है मैं जॉम्सो के जो कुछ क्लोथिंग है वो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड जॉम्सो के साथ ये मेरा पहला कोलैबोरेशन है एंड आपको होपफुली ये सारी ड्रेसेस पसंद आएंगे क्योंकि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है सारे कपड़ों की। एंड जॉम्सो से मैंने जो ऑर्डर किया है वो है दो लहंगे एंड उसके अलावा साड़ीज़। तो सबका जो है मैं आपको लुकबुक लास्ट में दिखाऊंगी। एंड इसमें जो है मुझे एक साड़ी कुछ ज़्यादा ही पसंद आई थी जो अनुष्का ने पहनी थी। तो मैंने अनुष्का, लगता है ना कभी कभी जो सेलिब्रिटी ने साड़ी पहनी है हम पहनेंगे तो कैसा लगेगा, एंड हमको डाउट होता है कि वो लोग जो पहन रहे हैं कहाँ मिलेगी। तो वो जो पहनते हैं वो वही पहनते हैं जो हम लोग पहन रहे होते हैं, सेम ही होती है। तो आज वो वाली जो इच्छा थी वो भी पूरी होगी। तो अनुष्का शर्मा ने जो साड़ी पहन रखी है वो वाली मैंने ली है एंड मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। आप लोग को कैसी लगी वो आप लोग देख के बताना ज़रूर। आपको मैं एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ये देखिए ये वाली है वो पिक्चर। इसके साथ जो है डॉटेड ब्लैक कलर का ब्लाउज़ आया है एंड साड़ी पूरी सैटन की है एंड कलर तो आपको दिख ही रहा है, कितना क्लासी लुक है देखिए। सो अब मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ एंड ये साड़ी भी दिखाऊंगी। एंड लहंगे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। इसमें से एक ब्लैक कलर का लहंगा है जिसको मैंने थंबनेल में भी लगा रखा है, तो उसको मैं लास्ट में दिखाती हूँ। लहंगे सारे लास्ट में दिखाऊंगी तो बेटर है क्योंकि भारी बहुत है, दिखाने के लिए भी उसमें कुछ ज़्यादा ही है तो वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी। लेट मी शो वन बाय वन कि मैंने क्या लिया है और उसके बाद लास्ट में आपको एक मेरी तरफ से छोटी सी मॉडलिंग। तो सबसे पहले ये एक ग्रीन कलर की साड़ी, ग्रीन की कलर की साड़ी मेरे पास मुझे याद भी नहीं है कौन सी है, शायद एक याद होगी जो मैंने कभी सदियों पहले पहनी थी, उसके बाद कभी पहनी भी नहीं। तो इसमें मुझे अच्छा ये लगा कि इसमें देखिए पूरी साड़ी प्लेन है लेकिन जो पल्लू है उसके कॉर्नर में ऐसा डिज़ाइन आ रहा है एंड यहाँ पे जो है सेम ऐसा ही डिज़ाइन जो है सेमी हाफ मून टाइप में यहाँ पे कवर होता है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड ये पूरी साड़ी जो है एकदम कौन सा मटेरियल है इसका, शिफॉन का मटेरियल है तो काफ़ी अच्छा है। शिफॉन की साड़ियाँ जो होती है ना एकदम आपके कंट्रोल में रहती है, ज़्यादा खिसकती नहीं है, अगर प्लेट्स भी बनाई है वैसी ही रुकती है। तो इसकी देखिए ये पूरा लुक ऐसा है एंड इसके साथ जो है गोल्डन कलर का ब्लाउज पीस दिया है प्लस इसके जो हैंड्स है वो नेटेड टाइप के दिए हैं। ये देखिए ये जो है इसके हैंड्स के लिए दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा गोल्डन ब्लाउज सिलाना चाहते हैं तो आप वैसे भी सिला सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नेट लगाना चाहिए तो आप आजकल टेलर के पास जाओ और इनको एक फ़ोटो दिखाओ, जैसी चाहिए आपको वैसा वो सिल के दे देते हैं, सो नो वरीज। एंड पूरी साड़ी में चारों तरफ जो है ऐसा बॉर्डर लगा हुआ है। दिस इज़ वन साड़ी एंड नेक्स्ट साड़ी है ये वाली, ये डार्क ब्लू कलर की। तो ये वाले कलर जो है मुझ पर बहुत ज़्यादा सूट करता है, स्पेशली ये वाला ब्लू। एंड आप सब लोगों ने बहुत बार बोला ये कलर बहुत अच्छा, मतलब जब भी मैंने इस कलर की ड्रेसेस या कोई साड़ी पहनी है तब आप लोगों के भरपूर एकदम भर भर के ओवरफ्लो हो के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं एंड सूट भी करते हैं। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं मुझ पर ये वाले कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैंने एक ये साड़ी ली है, इसमें स्पेशलिटी ये है कि पूरी साड़ी प्लेन है, उसके साथ ये दो कलर का बॉर्डर है प्लस इसकी स्पेशलिटी जो मैं बता रही हूँ वो है इसके पल्लू में एंड इसके ब्लाउज़ में। तो ये देखिए ये जो है इसका ब्लाउज पीस है, देख रहे हैं, एंड उसके बाद जो इसका पल्लू आया है उस पर पूरा ऐसा वाला डिज़ाइन है, तो जिसकी वजह से इस साड़ी का लुक है। आप पल्लू आगे लेके अगर इफ़ यू गो इन एनी पार्टी और एनी फंक्शन दैट विल गिव अ यूनिक लुक। मुझे ये वाली साड़ी जो है बहुत डिफरेंट लगी, बेशक सिंपल है लेकिन सिंपल चीज़ें ही जो है अच्छी रिच लुक देती हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। उसके बाद है नेक्स्ट साड़ी ये वाली, ये पूरी नेटेड साड़ी है। तो अगर आपको नेटेड भी पहनना पसंद है और आपके पास आपको लगता है कि अगर नेटेड खरीदेंगे तो पेटीकोट का झंझट हो जाएगा, मैचिंग पेटीकोट कहाँ से ढूंढना है, तो वो झंझट भी नहीं है। अगर आप जॉम्सो से लेते हैं तो आपके इसके साथ आपको इसके अंदर ही जो है पेटीकोट आपको दिख रहा है नहीं, अंदर से चमकता वो इसके साथ पेटीकोट पीस ही दिया हुआ है, अच्छा खासा लेंथ दिया हुआ है, आप आराम से जितना फ्री सिलवाना चाहते हैं वैसे सिलवा सकते हैं। प्लस ब्लाउज पीस जो है उसका गोल्डन कलर का अलग टाइप का दिया हुआ है एंड पूरी साड़ी में जो है चारों तरफ नीचे एंड ऊपर ये वाला जो एम्ब्रॉयडरी है ना ये पूरी आई हुई है। तो ये देखिए नीचे भी पूरा ऐसे ही है एंड इधर भी ऐसे ही, तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि पूरी साड़ी में वर्क है एंड अदरवाइज पूरी साड़ी जो है नेटेड है, ये देखिए। एंड ये जो अंदर से आपको दिख रहा है ना ये वाला इसका ब्लाउज पीस है।
तो मेरी पसंद बेशक ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पसंद आए, सबके अपनी अपने अपनी पसंद होते हैं। कुछ ज़्यादा ही हाई फाई कुछ लोग देख अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको शायद ये पसंद ना आए, भैया आपके सिलेक्शन कैसे कैसे बोल सकते हैं। भैया मेरी तो सिलेक्शन ऐसी ही रहती है, मुझे पसंद है, मेरे घर वालों को पसंद है, सो आई गो दैट वे। तो अगर आप कॉमेंट भी करते हैं कि आपकी पसंद बिल्कुल ख़राब है तो आई डोंट माइंड, यू कैन खुलेआम मैसेज ऑल दैट। एंड अब आती है वो वाली साड़ी जो अनुष्का ने पहनी थी, जो मैंने आपको फोटो में दिखाई, सेम डिटो, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं। ये देखिए ये है वो साड़ी, इसकी बॉर्डर देखिए कितना अच्छा काम किया हुआ है इसके ऊपर। कई बार ऐसा होता है ना कि जो एक्ट्रेस ने पहन के उतार दी है साड़ी एंड उसकी कभी कभी बोली लगाते हैं लोग, एंड वो लाखों में बिकती है, तो आपको लाखों पे करके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सस्ते में आपको ये मिल जाएगी। तो ये है इसकी साड़ी एंड ये है इसका ब्लाउज पीस, सी कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। सो दिस इज़ माई फेवरेट साड़ी। एंड अब चलते हैं लहंगे के पास, एंड लुक बुक में आपको पूरा दिख ही जाएगा कि कैसा दिख रहा है, कौन सी साड़ी कैसी दिख रही है, सारा तो समझ में आ ही जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। एंड ये जो इसका कपड़ा है पूरा सैटिन का है ओवरऑल पूरा, तो सैटिन की साड़ियाँ भी बहुत जो है कंफर्टेबल रहती है, प्लस कंट्रोल में रहती है। सो लहंगा दिखा दूँ आप लोगों को, तो ये है मेरा पहला लहंगा, सी एंड इतना भारी है ना, तो ये इसका भारीपन जो है ना वो देखते ही पता लग जाता है, इसकी जो क्वालिटी है वो बता देती है, क्योंकि इस पर इतना काम किया हुआ है इतना ज़्यादा कि ये थोड़ा हैवी हो गई। एंड ऐसे हैवी हैवी जो है अगर आप कोई बहुत बड़ी शादी में जा रहे हैं या किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं, तो अगर आप ऐसे वाले लहंगे पहनते हैं ना तो सब लोग दुल्हन को छोड़ के आपको देखना शुरू कर देंगे। सो ये नहीं है कि कपड़े खरीदना ही मेन है, कपड़े खरीदने के बाद उसको अपने ऊपर पर्सनालिटी के ऊपर प्रॉपरली पहनना भी ज़रूरी है, तभी वो अच्छा दिखता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस होती है लेकिन लोग उसको ढंग से पहनते नहीं है, तो उसका जो असली लुक होता है ना वो बाहर नहीं आ पाता है। तो अपने आप को सजाना आपका काम है ना। तो ये इसका जो है लहंगा है, एंड ये देखिए इसकी चुन्नी और ये अटैच करके ही बेचते हैं ताकि अलग ना हो। तो ये इसकी चुन्नी है, कितनी अच्छी लग रही है ना ये चुन्नी है। एंड उसके बाद ये रहा इसका ब्लाउज पीस, तो आप देख सकते हैं इस पर पूरा डिज़ाइन दे रखा है, तो आराम से आपको कोई टेंशन नहीं है, सब जैसा शेप बनाया हो वैसे काटो एंड सिलवा लो उस टाइप से। एंड इसमें मैं आपको एक और सजेशन भी दे सकती हूँ, अगर लोग कुछ लोगों को जो है लहंगा पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहता है, तो आप लहंगे का जो ऊपर वाला पार्ट है, आजकल जो लॉन्ग आजकल साड़ी जो है लॉन्ग अनारकली साड़ी है, तो आप जो है लहंगे को अनारकली के टाइप में भी सिलवा सकते हैं, इट विल गिव द सेम लुक। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप अनारकली टाइप में सिलवा सकते हैं, अगर कंफर्टेबल है तो बस आपकी मर्ज़ी है, जैसा चाहे वैसे मॉडल्स में आप सिलवा सकते हैं। तो ये एक लहंगा है। उसके बाद जो मेरा फेवरेट लहंगा है, दिस इज़ द वन, देख रहे हो, एंड ब्लैक तो वैसे भी मेरा फेवरेट है एंड ब्लैक भी बहुत सूट करता है। जब भी ब्लैक कुर्ते भी पहने तब भी आपने खूब भर भर के भेजे अपने कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये देखिए ये रहा पूरा लहंगा, तो ब्यूटीफुल लग रहा है ना। एंड जब मैं इसको कमर पे लगा रही हूँ तो बहुत देर तो मैं ऐसे शीशे के सामने खड़े होकर देख रही थी, भैया इतनी पतली लग रही है कमर, सही में हम पतले हो गए हैं क्या, वो वाले डाउट आने लगे। तो ये देखिए कितना इसका चौड़ा दिया हुआ है, कितने भी मोटे इंसान को जो है आ जाएगा। ये देखिए इतना दे रखा है एंड आपकी कमर पे जो है सिलने के बाद इतने तक आ जाएगा ये। सो आप इसको भी चाहे तो अनारकली की तरह सिलवा सकते हैं, मर्जी आपकी, अदरवाइज़ यू कैन कीप इट लाइक दस। एंड इसका नीचे का ये जो है, इसमें एक ख़ास बात ये बताती हूँ, जो नीचे है ये देखिए इसमें ऐसे फ्रिल्स लगी हुई है ताकि घेर जो है बहुत अच्छा नज़र आए। एंड यहाँ पे भी अच्छा खासा बकरम लगा रखा है ताकि जो नीचे घेर है ना ऐसा खड़ा हो जाए। कई सारे लहंगे होते हैं ना जब आप खड़े होते एकदम नज़दीक ऐसे आ जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें बकरम लगा हुआ है। प्लस ये देखो ना, एकदम कभी भी आपने किसी लहंगे में देखा है ऐसा कुछ नहीं ना, ये अपने में एक और अलग सा डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना। मैंने तो पहली बार देखा है ऐसा कुछ, अदरवाइज़ मैंने कभी देखा नहीं कि ऐसे नीचे बकरम वकरम भी लगाते हैं घेर को खड़ा करने के लिए। सो दिस इज़ वन। एंड इसका इसकी चुन्नी एंड जो चोली है जो सिलने के लिए दे रखी है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए ये है इसकी चुन्नी एंड पूरी मतलब इतना काम किया हुआ ना कि डिटेलिंग भी बता नहीं सकते, इधर काम है उधर काम है, पूरा क्यों क्योंकि पूरा जो है वर्क से भरा हुआ है।
सो ये देखिए, इसकी चुन्नी पूरी प्लेन है बीच में, लेकिन चारों तरफ जो है ये बॉर्डर लगा हुआ है, क्योंकि लहंगे में सारा वर्क है, इसलिए अगर प्लेन चुन्नी जो है प्लेन रहेगी तभी उसका लुक जो है अच्छा दिखेगा। एंड जो इसकी चोली है उसमें भी पूरा वर्क दे रखा है, तो ये देखिए ये दो पीसेस टाइप दे रखे हैं इसमें, ये एक है फिर इधर है, एंड ये हैंड्स के लिए भी इधर इधर दे रखा है। सो ये है मेरे जॉम्सो का कलेक्शन, पहली बार है, तो आई होप आपको जॉम्सो के भी सारे आइटम्स काफ़ी पसंद आए होंगे। एंड पंखा नहीं चल रहा है तो बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि पंखा चलाऊंगी तो घन 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 साउंड आएगी थोड़ी बहुत जो भी आती है पंखे की, इसलिए मैंने नहीं चलाया है। तो आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक चिपका दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा है तो भी दिल बड़ा करके लाइक ही चिपका दीजिए। एंड मोटिवेट कीजिए कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहूँ, और शेयर भी कीजिए क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल रेट में है। एंड सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजा के, ताकि मेरे नोटिफिकेशन जो है आप तक बराबर पहुँचते रहे। तो आप नेक्स्ट लुकबुक देख लीजिए एंड एन्जॉय कीजिए वीडियो को। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।